आप सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं माह मुहर्रम शरीफ 656 हिजरी में सुल्तानुल मशायख आप हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदे अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आपने अशूरा की फजीलत में फरमाया कि इस अशरा में किसी और काम में मशगूल नहीं होना चाहिए सिवाय दाद तिलावत दुआ व नमाज वगैरह के, इस वास्ते कि इस अशरा में कहरे इलाही भी हुआ है और बहुत रहमत इलाही भी नाजिल होती है। बाद अजान फरमाया कि क्या तुझे मालूम नहीं कि इस अशरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी और आपके फर्जंदों को किस तरह बेरहमी से शहीद किया गया। बास प्यास की हालत में हलाक हुए कि उन बदबख्तों ने उन अल्लाह के प्यारों को पानी का एक कतरा तक न दिया। जब आप बाबा फरीद ने यह बात फरमाई तो एक नारा मारकर बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो फरमाया कि कैसे संगदिल काफिर बेआकिबत और ना मेहरबान थे, हालांकि उन्हें खूब मालूम था कि यह दीन व दुनिया और आखरत के बादशाह के फर्जंद हैं, फिर भी उन्हें बड़ी बेरहमी से शहीद किया और उन्हें यह ख्याल न आया कि कयामत के दिन आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे।